नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा सहित विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली महिलाओं और बच्चों को अपने कैडर के तौर पर भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के बेहतर समन्वय और ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समुदाय तक बेहतर पहुंच की वजह से नक्सलवादियों का अभियान धरा रह गया है। सुकमा और बीजापुर कुछ कर सुरक्षा बल ज्यादातर कोर इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुई है। सुरक्षा बल से जुड़े कर्मियों का ऑपरेशन के दौरान से ज्यादा मत सुकमा और बीजापुर के इलाके में हुआ है। अन्य इलाकों में सुरक्षा बल अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ वर्षों में कई वरिष्ठ नक्सली नेताओं की सुरक्षा बलों के हाथों मौत और गिरफ्तारी की वजह से नक्सली नेतृत्व के संकट से भी जूझ रहे हैं। हताशा में वे कुछ बड़ी घटनाओं और निर्दोष लोगों की हत्या कर अपना प्रभुत्व जमाने की मुहिम में जुटे हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों को हर वक्त सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ वर्षों से कई वरिष्ठ नक्सली नेताओं की सुरक्षा बलों के हाथों मौत और गिरफ्तारी की वजह से नक्सली नेतृत्व के संकट से भी जूझ रहे हैं। हताशा में वो कुछ बड़ी घटनाओं और निर्दोष लोगों की हत्या कर अपना प्रभुत्व जमाने की मुहिम में जुटे हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों को हर वक्त सतर्क रहने को कहा गया है। झारखंड में हाल ही में प्रतिबंधित भाजपा समूह की केंद्रीय समिति के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडे की गिरफ्तारी हुई। दोनों को खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की वर्षों की कड़ी मेहनत के कारण गिरफ्तार करना संभव हुआ। हाल के दिनों में पकड़ में आए उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में सक्रिय ज्यादातर नक्सली छत्तीसगढ़ से थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।